हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टुडेज सेकेंड वीडियो. ओके, इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू सी द नेम ऑफ अवर लेसन इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स व्हाट? जैसे हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी का इलाज करना है, अगर मुझे पेशेंट को ट्रीट करना है, ओके, तो मुझे मेडिकल साइंस की स्टडी करनी होती है ना. अगर मैं विदाउट स्टडी अगर मैंने पेशेंट को की ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, तो व्हाट विल बी हैपन? आई विल बी फेल्ड, है ना. हम कोई भी चीज़ जो है, जैसे अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, आपको घर बांधना है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? इंजीनियरिंग साइंस की स्टडी करनी पड़ती है ना. इन द सेम मैनर अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो ये जो चीज़ें, ये विदाउट स्टडी कैसे क्या होगी? बराबर है ना. मतलब हमारे यहाँ पे कई सारे जो है, जो फार्मर्स है, वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं. तो क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए अगर आप एक साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हो, तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा? आपके खेत में इंक्रीज होगा. बराबर है. जो फार्मर्स ये करते हैं, उनको मतलब उनकी जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता है, उनके फील्ड में ये वर्क किया जाता है, तो उनका जितना भी एजुकेशन होता है, ये एजुकेशन कहाँ पे किया जाता है? ये फैमिली में दिया जाता है. एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी एजुकेशन है फार्मर्स को, वो फैमिली में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है. बट वी कैन स्टडी एग्रीकल्चर एज ए साइंस ऑल्सो, है ना. ये जो है, हम जनरेशन बाय जनरेशन मिलने वाला नॉलेज एक तरफ, और अगर हमें इसकी साइंटिफिक वे, किसी को अगर नए से फार्मर बनना है, जो उसके उसके फैमिली में फार्मिंग नहीं है, बट स्टिल ही वांट टू डू फार्मिंग, देन हाउ विल ही डू इट? ही विल डू इट बाय डूइंग द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हेल्प अस टू डू फार्मिंग. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. व्हाट इज एग्रीकल्चर? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ फार्मिंग. ओके, दैट डील्स विथ फार्मिंग. फार्मिंग आई कैन ऑल्सो से क्रॉप प्रोडक्शन एंड रियरिंग एनिमल्स needing for it. Okay, agriculture means what? Agriculture is the branch of science. Agriculture is what? It is the branch of science that deal with farming and rearing animals needing for it. सिर्फ फार्मिंग नहीं, फार्मिंग से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें जो है, जैसे कि एनिमल्स की रियरिंग. रियरिंग मीन्स व्हाट? पालना. जैसे एग्रीकल्चर के लिए कुछ एनिमल्स हमें चाहिए, हमें ऑक्सेस लगते हैं, हमें कैमल्स लगते हैं, है ना. उसके साथ साथ आप साइड बिजनेस, मतलब खेती के साथ साथ आप साइड बिजनेस में पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, है ना. ये सारी चीज़ें जो है, जिसमें क्या आता है, फार्मिंग भी आता है और फार्मिंग से रिलेटेड अदर बिजनेसेस भी आते हैं. इन सारों की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद फार्मिंग एंड रियरिंग एनिमल्स नीडिंग फॉर इट. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एग्रीकल्चर. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जो प्लांट्स है, दे कैन ग्रो विदाउट अवर नॉलेज. अब आप अगर कभी ट्रैवलिंग करो या रोज बाहर भी जाते हो, तो आपके घर के बाहर यू कैन सी नंबर ऑफ प्लांट्स जिसको आपने जाके सो नहीं किया है. प्लांट्स क्या है? कहीं पे सीड गिरी तो सीड को जर्मिनेट होके उससे क्या होता है? नया प्लांट ग्रो होता है.
ये तो अपने आप होता है ना, दिस प्रोसेस इज डन इटसेल्फ, इट इज डन ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मीन्स विदाउट आवर इंटरफेरेंस दिस थिंग्स हैपन, देन व्हाई वी आर स्टडिंग एग्रीकल्चर। तो जो चीज़ें अपने आप हो सकती है तो हम उसको स्टडी करने में व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम इट इट इन इट, तो इसके लिए एक रीज़न जो है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, नीड ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, नीड ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स वॉट, हमें एग्रीकल्चर की ज़रूरत क्यों है, एग्रीकल्चर मतलब हमें फार्मिंग का बेस्ट तरीका ढूंढने की ज़रूरत क्यों है, क्यों है, इसका रीज़न आप क्या बताओगे, कि वी नो दैट द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अभी ये ध्यान से सुनो, हाँ, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड फॉर दिस पॉपुलेशन वी नीड मोर एंड मोर फूड, मोर एंड मोर फूड एंड द लैंड दैट इज कल्टिवेटेड फॉर फार्मिंग इज लिमिटेड। ओके, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हम कर रहे हैं वो तो कंटिन्यूसली हो रही है। पॉपुलेशन अभी इंडिया की कितनी है, 100 एंड आई एम नॉट हैविंग द एग्जैक्ट आइडिया बट 107 करोड़ के आसपास है। लेकिन इंडिया की का एरिया इसकी वजह से बढ़ रहा है क्या? नहीं, जो कल्टीवेटेड लैंड अपने पास है फार्मिंग के लिए, जो लैंड है अभी, वो लैंड तो उतनी की उतनी ही है ना। आपकी पॉपुलेशन कितनी भी बढ़े, आपके पास लैंड सिर्फ इतने ही अवेलेबल है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब ये है कि आपको उसी लैंड का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने की कोशिश करनी है। इट मीन्स वॉट, इफ द लैंड इज लिमिटेड, इट मीन्स दैट वी नीड टू फाइंड और डेवलप ए टेक्नोलॉजी दैट विल हेल्प अस टू गेट मोर प्रोडक्शन इन लेस फील्ड। कम जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कई सारे साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके लिए फॉर दिस पर्पस वी नीड स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, फॉर दिस पर्पस वी नीड टू स्टडी एग्रीकल्चर। ओके, फॉर दिस पर्पज वी नीड टू स्टडी एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, इसलिए ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि देर इज ए वेरी लिमिटेड लैंड अवेलेबल ऑन अर्थ विच कैन बी यूज फॉर फार्मिंग एंड अवर पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड फॉर ऑल दिज ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ वी नीड मोर एंड मोर फूड। So we need to find some method by using which we can get more production in less land. And for this purpose we need technology. That is why we are studying agriculture. Okay? इस पेज में, इस वीडियो में आपको दो पॉइंट्स मैंने दिए हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, What is the meaning of agriculture? और दूसरा पॉइंट, Why? What is the need of studying agriculture? ये जो दो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, इसके नोट्स आपको क्या करने हैं, आपके बुक में लिखने हैं, और लिखने के बाद में मुझे फ़ोटो ज़रूर डालिए, जिसकी वजह से मुझे आइडिया मिलेगी कि आप में से कितने बच्चों ने स्टडी किया, कितने बच्चों ने नहीं किया। और जिनका मुझे ये जो है वर्क उनको नहीं आएगा, मैं उनके आपके क्लास टीचर के पास उनके नाम बताने वाली हूँ, ताकि वो आपके पेरेंट्स के साथ में कॉन्टैक्ट करके आपको मतलब पढ़ाई करने के लिए तैयार कर सके। ठीक है।